है वेलकम बैक दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज की ये वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज मैं आपके दुखों के बारे में बात करने वाला हूँ। बहुत सारे लोग ऐसा होता है कि सब कुछ होते हुए भी न जाने क्यों दुखी रहते हैं। उनके दिमाग में हजार तरह का टेंशन चलते रहता है, हमेशा उदास रहते हैं, जब भी मिलो चेहरा लटका हुआ रहता है। तो मैं आपको बता दूं, हमारे आपके और सभी लोगों के दुखों का मैक्सिमम कारण, जो सबसे ज्यादा कारण है, वो अपने आप को दूसरों से कमतर समझना है, अपने आप को दूसरों से तुलना करना है। जब हम अपने आप को दूसरों से तुलना करते हैं, तब हमें अपने अंदर, अपने परिवार में, अपने फैमिली में, अपने बिजनेस, अपने कामकाज, अपने स्टडी, अपने गाड़ी, अपने कार, अपने बंगला, हर एक चीज में दूसरों से कुछ ना कुछ कमी नज़र आती है, जिसके वजह से हमें काफ़ी दुख होता है कि उसके पास इतनी खूबसूरत कार है, मेरे पास ये पुरानी मारुति 800 या स्विफ्ट डिजायर है, अरे वो तो BMW में चल रहा है और मैं आज भी वही मारुति की ओमनी कार इस्तेमाल कर रहा हूँ। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि लोग दूसरे का बंगला देखकर, अपने पड़ोसी का घर देखकर के खुद दुखी हो जाते हैं, करे रे वो हर साल एक एक मंजिला ऊपर बढ़ाते जा रहा है और मेरा अभी तक वहीं का वहीं है। उससे कंपटीशन करने के दौर में हम भी क्या करते हैं, अपनी एक मंजिला खड़ा कर देते हैं, देखते ही देखते आने वाले दूसरे साल में उसने फिर दूसरा खड़ा कर दिया, फिर हम भी दूसरा खड़ा करते हैं और यही सिलसिला चलते रहता है। तो दोस्तों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप कहां कहां कंपटीशन करते रहेंगे, आप किस किस की देखा देखी करते रहेंगे। आप हो, आपके जैसा कोई दूसरा इस संसार में यूनिक नहीं है। कहां तक आप दूसरों से तुलना करते रहोगे, कब तक आप अपने आप को दूसरों से तुलना करके खुद दुख झेलते रहोगे। क्या आप बिलगेट से भी आगे जा सकते हो, क्या आप अंबानी से भी आगे जा सकते हो, क्या आप टाटा और बिरला से भी आगे जा सकते हो, क्या आप सुल्तान ऑफ ब्रुनेई उससे भी आगे जा सकते हो, जिसका घर सोने का, गाड़ी सोने की, उसका हर एक सामान सोने का, किस किस चीज से आप तुलना करोगे, किससे किससे आप तुलना करोगे और कहां कहां अपने आप को छोटा महसूस कराते रहोगे। जब जब हम दूसरों से अपने आप की तुलना करते हैं, जब जब हम दूसरों के सामने अपने आप के, अपने परिस्थिति को, अपने फाइनेंस को, अपने बिजनेस को, अपने घर को, अपने फैमिली की तुलना करते हैं, तब तब हमें दुख महसूस होता है। हम खुद को, अपने आप को छोटा महसूस करते हैं और यही छोटा महसूस करना ही हमारे अंदर दुख और बहुत परेशानियों का कारण बनता है। हमारा दिमाग, हमारा मन अशांत हो जाता है। इसलिए तुलना करना बंद, आप जैसे हो वैसे ही सही है, आप यूनिक हो, आप सबसे खास हो। ऊपर वाले ने हर एक इंसान को स्पेशल और खास बनाया है। अगर आप छोटे यूट्यूबर हो तो छोटे ही सही, अगर आपके वीडियोज में कम व्यूज आते हैं तो कम ही सही, अगर आपका धंधा छोटा है तो छोटा ही सही, अगर आपका नौकरी छोटी है तो छोटी ही सही। बस आप अपने काम से, अपनी जिंदगी से, अपने बिजनेस से, अपने परिवार से और जो भी ऊपर वाले ने आपको दिया है उससे प्यार करिए, उससे खुश रहिए और ऊपर वाले का शुक्रिया करिए, धन्यवाद करिए, क्योंकि जो आपके पास है, लाखों लोग, जी हाँ, इस संसार के लाखों लोग आपके तरह बनना चाहते हैं, उनके पास वो भी नहीं है, वो हमेशा इस ताक में रहते हैं, ये उम्मीद लगाए रहते हैं कि कभी ऊपर वाला उनकी भी सुनेंगे और उन्हें भी आपके जैसा बनाएंगे, आपके जैसे जिंदगी, आपके जैसा बंगला, आपके जैसी गाड़ी और आपके जैसा मान सम्मान वो भी पाना चाहते हैं। ये संसार विविधताओं से भरी पड़ी है, बस आप अपने नज़र को थोड़ा सा बदलिए और देखिए, आप बहुत सुखी और संपन्न हैं, आप बहुत खुश हैं, हमेशा खुश रहिए। अपने आप को दूसरों से छोटा कमतर मत समझिए, अपने आप को दूसरे से तुलना मत करिए। उम्मीद करता हूँ मैं आपको अपनी बात समझा पाया हूँ और आप जीवन में हमेशा खुश रहेंगे। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक के साथ एक शेयर जरूर करिएगा और हाँ, मुझसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल को भी बजा दीजिएगा।